Hello children, how are you? I hope you all are fit and fine. Children, आज मैं आपको पाठ पंचदश पाठा पढ़ाऊंगी पावनी गंगा। ठीक है, गंगा रिवर जो है उसके बारे में ये पूरा पाठ है, गंगा नदी के ऊपर आधारित। चलिए ओपन करिए अपनी बुक, पेज नंबर 60, पावनी गंगा। ठीक है, हम इसको पढ़ाएंगे और पढ़ाते हुए इसका हिंदी अर्थ भी आपको बताएंगे। अगर आप लोग चाहो तो इसको साथ साथ में नोट कर सकते हो। ठीक है, अस्माकं देशे अनेकः नद्यः वहन्ति, यानी अस्माकं माने हमारे देश में अनेकों नदियां बहती हैं, वहन्ति माने बहती हैं। भारत भूमिं च सिंचन्ति, जिससे भारत भूमि उपजाऊ होती है, यानी वो भारत भूमि को क्या करती है, भारत और ये भारत भूमि को सींचती है। भारत भूमि च सिंचन्ति, यह भारत भूमि को सींचती है और यह भारत भूमि को सींचती है। येन भारत भू उर्वरा भवति, जिससे भारत भूमि उपजाऊ होती है। नेक्स्ट देखिए, भारतस्य सर्वासु नदीषु गंगा पवित्रतमा श्रेष्ठा च, भारत की सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ और सबसे अधिक पवित्र है। श्रेष्ठा माने श्रेष्ठ, पवित्र माने पवित्र है। भारत की सभी नदियों में गंगा सबसे पवित्र और श्रेष्ठ है। इयम हिमालयस्य गंगोत्री स्थानात अवतरती, यह हिमालय के गंगोत्री स्थान से नीचे आती है। अवतरती माने आती है, अवतरित होती है यानी आती है। ठीक है, यह हिमालय के गंगोत्री स्थान से नीचे आती है। फिर देखिए, तत्र अस्या स्रोतः लघु रूपे दृश्यते, वहां इसका, तत्र माने वहां, वहां इसका प्रवाह लघु रूप में दिखाई देता है, यानी छोटे रूप में दिखाई देता है, जहां से निकलती है गंगोत्री के पास से लघु रूप में दिखाई देता है। फिर देखिए आगे, तदंतरम अनेके निर्झरा गंगायाम आमिलन्ति, येन गंगाया प्रवाह तीव्र भवति। इसके बाद अनेक झरने, निर्झरा माने झरने, इसके बाद अनेक झरने गंगा में आकर मिलते हैं, जिससे गंगा का प्रवाह तेज होता है, जिससे गंगा का प्रवाह तेज होता है। तीव्र माने तेज, भवति माने होता है। नेक्स्ट देखिए, पर्वत क्षेत्रेभ्य निर्गत्य गंगा हरिद्वारम नामनी नगरे समतलम आगच्छति, पर्वत क्षेत्रों से निकलकर, ना पर्वत क्षेत्रेभ्य माने पर्वत क्षेत्रों से निकलकर गंगा हरिद्वार नामक एक शहर में समतल आ जाती है, यानी कि समतल माने एकदम लेवल पर आ जाती है, समतल आ जाती है। हरिद्वारम हिंदुना प्रसिद्धम तीर्थम अस्ति, हरिद्वार हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है या तीर्थ स्थान है, या तीर्थ स्थल है, एक बात है। अब इसके बाद देखिए, अत्र प्रतिवर्षम अनेके भक्त जना आगत्य गंगाया शीतले जले स्नानम कृत्वा सुखमनु भवन्ति। अत्र प्रतिवर्षम, यानी अत्र माने फिर वही, यहाँ, यहाँ प्रतिवर्ष अनेकों भक्त जन आकर गंगा के शीतल जल में स्नान करके सुख का अनुभव करते हैं। फिर से देखिए, यहाँ प्रतिवर्ष अनेकों भक्तजन आकर
गंगा के शीतल जल में स्नान करके सुख का अनुभव करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया इतना। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। गंगाया अवतरण विषय एका कथा प्रसिद्धा अस्ति। पुरा भगीरथ नामा महीपति पूर्वजानाम उद्धाराय घोरम तपः कृत्वा गंगाम स्वर्गात पृथ्वी तले आहियत। पूरा इसका देखिए, गंगा के अवतरण के विषय में, अवतरण माने आने के विषय में, गंगा के अवतरण के विषय में एक कथा प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में भगीरथ नाम के एक राजा पुरखों के उद्धार के लिए, उद्धार है माने उद्धार के लिए, घोरम तपा माने घोर तपस्या या घोर तप करके गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी तल पे ले आए। गंगा को पृथ्वी तल पर ले आए, आन्यत माने लाना। फिर देखिए, अतएव गंगाम भगीरथी इति नामना अपि उच्यते। इसलिए गंगा को भगीरथ, भगीरथी नाम से भी पुकारते हैं। उच्यते माने बोलना या पुकारना, है ना। इसलिए गंगा को भगीरथी नाम से भी पुकारते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। गंगाया तटे लक्ष्मण झूला ऋषिकेशा हरिद्वारा प्रयाग वाराणसी आदिनि अनेकानि तीर्थ स्थानानि सन्ति। गंगा के तट पर लक्ष्मण झूला ऋषिकेश हरिद्वार वाराणसी आदि अनेक तीर्थ स्थान हैं। प्रयाग इसमें छूट गया है ना। गंगा के तट पर या गंगा के किनारे लक्ष्मण झूला ऋषिकेश हरिद्वार प्रयाग और वाराणसी वाराणसी आदि अनेक तीर्थ स्थान हैं। तत्र प्रतिदिनं सहस्रशः जना श्रद्धया गंगायां स्नात्वा भक्तिभावेन ताम पूजयन्ति। गंगा के, फिर देखिए, प्रतिदिन हजारों लोग, तत्र प्रतिदिन यानी वहां हजारों, वहां प्रतिदिन, तत्र प्रतिदिन वहां प्रतिदिन हजारों लोग श्रद्धा से गंगा में स्नान करते हैं, भक्तिभाव से उनकी पूजा करते हैं। स्नान करके भक्तिभाव से उनकी पूजा करते हैं। फिर से इसका अर्थ देखिए, प्रतिदिन हजारों लोग श्रद्धा से गंगा में स्नान करके भक्तिभाव से उनकी पूजा करते हैं। किनकी? गंगा की, ना, उनकी, उसी के लिए बोला गया, गंगा के लिए करते हैं। अब देखिए आगे का। गंगा अनेकानि क्षेत्राणि सिचित्वा भारत भूमि उर्वरताम वर्धयति येन प्रभुतम अन्नम प्रभवति देश च समृद्धिम याति। गंगा अनेकानि, है ना, गंगा अनेक क्षेत्रों को सींच कर, सिंचन्ति माने सींच कर, भारत भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है, जिससे येन प्रभुतम अन्न प्रभवति, जिससे बहुत अन्न उत्पन्न होता है और देश समृद्ध होता है। जब अन्न उत्पन्न होगा दूसरे देशों में जाएगा, लोग खरीदेंगे तो उसका पैसा देंगे,
तो हमारा देश क्या हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, है ना, और शक्तिशाली हो जाएगा, आर्थिक स्थिति उसकी सुधरेगी। इसलिए ऐसा कहा गया है कि गंगा अनेक क्षेत्रों को सींचकर भारत भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है, जिससे बहुत अन्न उत्पन्न होता है और देश समृद्ध होता है। आई होप चिल्ड्रेन कि आप लोगों को पूरा इसका अर्थ समझ में आया होगा पाठ का। कहीं भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी, जिसका मीनिंग नहीं आएगा, मेरे से लाइव क्लास से पूछ लेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और अभ्यास कार्यों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।